हाउ आर यू ऑल? वेल स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारी क्लास थी, प्रीवियस क्लास में हमने अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड को डिफाइन किया था, उसका मीनिंग समझा था और हमने अवलोकन की विशेषताएं देखी थी कि विधि के रूप में, टेक्निक के रूप में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम ये देखते हैं कि अवलोकन के कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अवलोकन के प्रकार की क्यों आवश्यकता है हमें? वो इसलिए क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से हम नहीं कर सकते, इसलिए अवलोकन के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं अवलोकन के। तो देखिए, सबसे पहले हम अनियंत्रित अवलोकन की बात कर सकते हैं। अनियंत्रित अवलोकन में ना ही तो सामाजिक घटना पर नियंत्रण रखा जाता है और ना ही शोधकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। जो अनियंत्रित अवलोकन है उसके फिर और सब डिविजन्स किए जा सकते हैं, अर्थात उसके भी प्रकार हैं। उसमें हम बात कर सकते हैं सहभागी अवलोकन की, असहभागी अवलोकन की, अर्ध सहभागी अवलोकन। सबसे पहले हम सहभागी अवलोकन का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता स्वयं सामाजिक घटना या अध्ययन की जाने वाली घटना का हिस्सा बनता है। लिंडमैन ने 1924 में सोशल डिस्कवरी बुक में इसका उल्लेख किया। इन्होंने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। अब ये अवलोकन विधि कहाँ पर उपयोगी है? देखिए, समाजशास्त्रीय एवं मानव शास्त्रीय अध्ययनों में शोधकर्ता जनजातीय जीवन का अध्ययन करने के लिए उसमें सहभागिता करता है, अर्थात जाकर उस समूह के साथ रहता है, उसकी भाषा को समझता है, उसकी संस्कृति को समझता है और इससे वह वास्तविक सूचना एकत्रित कर सकता है, सूक्ष्म, गहन और वास्तविक सूचनाएं। सहभागी अवलोकन में वे सूचनाएं भी प्राप्त कर की जा सकती है जो कि उत्तरदाता आपको बताना नहीं चाहे, क्योंकि आप उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं, आप स्वयं देखकर तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की जो अनियंत्रित अवलोकन है वो है असहभागी अवलोकन। नाम से ही पता चल रहा है, असहभागी अवलोकन में शोधकर्ता शोध की जाने वाली घटना में सहभागिता नहीं करता, वह दूर रहकर घटनाओं को ऑब्जर्व करता है। अब इसे क्या फायदा है या इसकी क्यों जरूरत है? तो देखिए स्टूडेंट्स, असहभागी अवलोकन की जरूरत इसलिए है क्योंकि कई बार लोगों के जीवन की निजी सूचनाएं लोग देना नहीं चाहते और आप बिना पूछे उससे सहभागिता करें, ये अनैतिक भी है, इसलिए आप दूर रहकर शोध कर सकते हैं। या सामाजिक संबंधों के कुछ आयाम ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपको वैवाहिक संबंधों का अध्ययन करना है या डेटिंग रिलेशनशिप का अध्ययन करना है, तो आप सहभागिता नहीं कर सकते क्योंकि जिनका आप शोध कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी खत्म होती है, उनकी निजता का इससे हनन होता है। इसलिए ऐसे बागी अवलोकन में शोधकर्ता दूर रहकर घटनाओं को देखता है और डायरी या फिर नोट्स अपने रखता है और जो वो देख रहा है उसको लिखने का प्रयास करता है। वो हालांकि वो सहभागी में भी लिखता है, लेकिन सहभागी में कई बार आप उत्तरदाताओं के सामने लिखते हैं तो वो कृत्रिम भी हो सकता है उनका बिहेवियर। इस प्रकार से असहभागी अवलोकन में आप वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करते हैं और क्योंकि आप सामाजिक घटना से दूर रहकर अध्ययन करते हैं, बायसेस नहीं आ पाती। कई बार आप क्या होता है, सहभागी में तो आप उनके मित्र बन जाते हैं, पसंद करने लगते हैं ग्रुप के लोग आपको, वास्तविक सूचनाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप भी इंसान है, शोधकर्ता भी इंसान है, कहीं ना कहीं भावना आ जाती है, लेकिन असहभागिता में ऐसा नहीं है। आप दूर रहकर स्टडी करते हैं तो आप बायस फ्री है, मतलब पूर्वाग्रह से रहित होकर आप अध्ययन करते हैं, लगाव की संभावना नहीं है कहीं भी। तो इससे आप विस्तृत व्यापक सूचनाएं प्राप्त करते हैं और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन की। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध सहभागी अवलोकन का मतलब है कि शोधकर्ता शोध किए जाने वाले समूह के कुछ पक्षों में तो सहभागिता करता है, अन्यों से वह अलग रहकर अध्ययन करता है, उसे कहते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। गुडेम हार्ट का कहना है कि अर्ध सहभागी अवलोकन है वो मध्यम मार्ग है, अर्थात जैसे मान लीजिए आपको किसी जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन का अध्ययन करना है तो आप उसको सहभागिता आप कर सकते हैं कि किस तरह से उनके यहाँ पे स्त्री पुरुष की श्रम में या
लाइवलीहुड के कामों में किस प्रकार की सहभागिता है, इन चीजों को समझने के लिए। लेकिन अगर आपको उनके पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करना है तो फिर आप सहभागिता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे वो लोग डिस्टर्ब होंगे, उनकी निज, में जैसा मैंने पहले कहा था, निजता की भावना का उल्लंघन होगा। तो कई समाजशास्त्र, कई विद्वानों ने अर्ध सहभागी अवलोकन का उपयोग किया है अपने अध्ययनों में, जिनमें लिपले लिन आदि का नाम हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अवलोकन के दूसरे प्रकार की, और वो है नियंत्रित अवलोकन। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं, हम नियंत्रण करते हैं किस पर, या तो अध्ययन की जाने वाली घटना पर या फिर शोधकर्ता पर। अध्ययन की जाने वाली घटना पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, कुछ चरों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उनका प्रभाव जान सकते हैं शोध के दौरान, या फिर शोधकर्ता पर। कैसे, कि आपने उनको निश्चित प्रश्न दे दिए, कैमरा का उपयोग उनको करने के लिए बोल दिया गया कि आप जब इंटरव्यू लें, आप ऑब्जर्वेशन करें तो कैमरा का इस्तेमाल कीजिए, आप डायरी उनको दे दिया, इस तरह से नियंत्रण हो गया, क्योंकि अब शोधकर्ता के पास कैमरा है तो भूलने की संभावना नहीं है, कोई अध्ययन में वो बायस्ड भी नहीं हो सकता, कि पूरी रिकॉर्डिंग है आपके पास, इसे हम कहते हैं नियंत्रित अवलोकन। फिर हम तीसरे प्रकार के अवलोकन की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सामूहिक अवलोकन। देखिए सामूहिक अवलोकन है वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में बहुत महत्वपूर्ण है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों में। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप स्टडी करता है, वो स्टडी एक व्यक्ति की भी कर सकता है, जैसे कि इंटरव्यू बोर्ड एग्जाम्पल के लिए, है ना, या फिर वो ग्रुप की भी कर सकता है, शोधकर्ताओं का भी एक ग्रुप है, समूह है, और जिनका वे शोध कर रहे हैं वो भी एक समूह है। तो इसमें अलग अलग विषय के देखिए एक्सपर्ट्स होते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज उनको प्राप्त होती है और किसी भी घटना को उसकी समग्रता में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गुर्जर जाति को आरक्षण देने के लिए सरकार एक समाजशास्त्रियों या सामाजिक विद्वानों का अध्ययन दल बनाए, शोधकर्ताओं का, तो उसमें सरकार क्या करेगी कि गुर्जर जाति के समस्त आयामों का, जीवन के समस्त आयामों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक सहभागिता कितनी है, उनका सामाजिक स्तर कैसा है, सोशल स्टेटस जिसे हम कहें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, संसाधनों पर उनका अधिकार है क्या, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक समाजशास्त्री हो जाएगा अवलोकन समूह में, एक राजनीति शास्त्री हो जाएगा, अर्थशास्त्री हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स जब स्टडी करेंगे किसी कास्ट की, किसी जनजाति की, किसी समस्या की, तो अपने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर वो उस घटना को देखेंगे और उस घटना के समस्त आयामों के विषय में अध्ययन करके और वो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। तो इससे अधिक वास्तविक, अधिक गहन, अधिक व्यापक सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो हमने आज इस क्लास में ये देखा कि अवलोकन के कई प्रकार हैं, क्योंकि सामाजिक घटना, हर एक सामाजिक घटना का अध्ययन हम एक ही प्रकार की अवलोकन विधि से नहीं कर सकते, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट अवलोकन की विधियां हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता है, उपयोगिता के अनुसार ही उनको शोध में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया है अवलोकन क्या है, अवलोकन की विशेषताएं क्या है और अवलोकन के प्रकार कौन से होते हैं। सो थैंक यू सो मच।